अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है? यस सर, बिल्कुल। अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो और अगर आपके पास फुल सेटअप के लिए आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो सर आपके पास ऑप्शन है फुल सेटअप। जैसे अगर जिन बंदों के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ट्रेडिंग के साथ किस तरीके से कर सकते? बिल्कुल सर, देखिए अगर मार्केट में कोई हमसे ये रेडी प्रोडक्ट अगर लेना चाह रहा है सर, तो हम रेडी प्रोडक्ट उन्हें होलसेल रेट पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बाद वो जैसे कि मैंने बताया कि होलसेल प्राइस में आपको 50 से 60 रुपये का मार्जिन आराम से ट्रेडिंग, बिल्कुल वो ट्रेडिंग हमसे होलसेल पे लेकर वो आगे ट्रेडिंग ऑनलाइन मार्केट में से शेयर कर सकते हैं। माल खरीदना हुआ उन्हें सर, देखिए डिपेंड करता है जो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मशीन के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। आज इस मशीन की पूरी जानकारी के लिए मैं आज आ गया हूँ दिल्ली मशीनरी में, नोएडा के अंदर। दोस्तों जब से प्लास्टिक बैन हुआ है तो उसके अल्टरनेटिव की मार्केट में बहुत डिमांड थी, उसका अल्टरनेटिव है ये बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मशीन। दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो इस टाइम पे ये मार्केट में बहुत डिमांड में है, ये बिजनेस बहुत बूम पे है। अगर आप इसका बिजनेस कर लेते हो तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपको यहाँ से मशीन की जानकारी मिलेगी, और अगर आप मशीन नहीं लगाना चाहते, इतना आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखते रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मैं आपकी दीपक सर से बात कराता हूं और इस मशीन की हम पूरी जानकारी लेते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे सर? बढ़िया सर। सर ये बायोडिग्रेडेबल जो कैरी बैग मशीन है इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सर देखिए बताना चाहूंगा, बेसिकली जो हमारी बायो मशीन है सर, ठीक है, ये 3 मॉडल में अवेलेबल है मार्केट में, जिसका मॉडल की बात करूं तो 35X मॉडल, 40X मॉडल एंड 45X मॉडल। जो हमारा 45X मॉडल है ये हमारा एडवांस मॉडल है, और मैं अगर नॉर्मली एक डिफरेंस की बात कर देता हूँ तीनों मॉडल्स में, तो जो 35X मॉडल है हमारा सर, उसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो जो प्रोडक्शन करती है, वो मैक्सिमम 5 kg तक का साइज आप प्रोडक्शन कर सकते हैं 35X मॉडल के अंदर सर। मतलब सर एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा, मतलब आपने बताया कि इस मशीन को खरीदने के लिए हमारे पास 3 मॉडल है। यस सर, ठीक है जी। एक 35X, यस सर, 40X, 45X, यस सर, ठीक है। अब आप उनके डिफरेंस बता रहे हो। बिल्कुल सर, तो बताइए सर। सर 35X मॉडल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35X मॉडल के अंदर आप जो मैक्सिमम बैग का साइज जो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं वो 5 kg का ही होगा सर आपका, उससे अपर साइज में आप बैग का प्रोडक्शन 35 मॉडल में नहीं कर सकते हैं। बात करें हमारे दूसरे मॉडल की, जो कि हमारा 40X मॉडल है, उस मॉडल की बात करूँ तो उसमें जो आप बैग का साइज जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 10 kg का साइज है, मीन्स 10 kg से अबव साइज में आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड मॉडल जो कि मेरा टॉप मॉडल है, जिसको मैं 45X मॉडल बोलता हूँ और मेरा एडवांस मॉडल भी है, इसमें आप 0.5 kg से लेकर 15 kg तक का कैरी बैग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड इसके अबव की बात करूँ तो आप इसमें गार्बेज बैग का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, गार्बेज बैग भी आप 2 साइज में आप इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक हमारा जो नॉर्मली रेजिडेंशियल पर्पस में हम यूज़ करते हैं वो है। और उसके अलावा दूसरा जो बैग हम यूज़ करते हैं वो हॉस्पिटल और म्यूनिसिपल के लिए यूज़ करते हैं। सर मैंने आजकल देखा कि हॉस्पिटल में एप्रेन वगैरह भी यूज किए जा रहे हैं प्लास्टिक टाइप में। बिल्कुल सर, आप जो इस मशीनरी के थ्रू जो आपका एडवांस मॉडल है, बेसिकली जो ये सारे प्रोडक्शन है हमारे वो एडवांस मॉडल का पार्ट है सर। आप एडवांस मॉडल के अंदर अगर आप परचेस करते हैं तो आप इसके थ्रू आप हॉस्पिटल को जो एब्रेन है, आप सर्जिकल कैप्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें भी आप इसके थ्रू प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर 35X मशीन हम खरीदते हैं जो लोएस्ट मॉडल है सर, उसमें हम 5 kg तक का कैरी बैग बना सकते हैं, और अगर 40X खरीदते हैं तो उसमें 10 kg तक बना सकते हैं। बिल्कुल सर, और 45 में हम सारी चीज़ें बना, यस सर, सारी चीज़ें, और उसके साथ ही एडिशनल फीचर्स भी है उसमें सर, तो आप वो सारी चीज़ें भी उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। सर अब बात तो हो गई ये बनाने की, जी सर। अब मान लो मेरे को ये बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए स्पेस कितना चाहिएगा? सर देखिए बेसिकली जो अगर मैं तीनों मॉडल की बात करूँ तो अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फुट का स्पेस है, यानी कि अगर बात करूं मैं 200 गज का अगर आपके पास स्पेस है तो आप 200 गज के अंदर ये तीनों मॉडल ही रन कर सकते हैं, जिसमें आप मॉडल रन कर अपने मशीनरी सेटअप के अलावा ही आप वहां पे अपना एक छोटा सा ऑफिस सेटअप भी बना के आप वहां पे खुद देख मतलब सकते हैं। 200 गज में मशीनरी भी सेट हो जाएगी और ऑफिस सेटअप, यस सर, आप ऑफिस भी सेटअप कर सकते हैं उसमें। सर जैसे मान लो आपने सेटअप लगाया 200 गज में, जी सर, तो उसके लिए कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी काम करने की? सर देखिए अगर मैं मशीनरी के लिए प्लांट की बात करूँ तो प्लांट मेरा 3 लोगों के थ्रू ऑपरेट होता है, जिसमें 2 ऑपरेटर होते हैं और 1 लेबर होता है मेरा। मतलब 2 ऑपरेटर और उनके साथ एक लेबर चाहिए, बिल्कुल हेल्पर चाहिए।
ठीक है, और इसकी जो पावर कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? सर देखिए, तीनों मॉडल की मेरी पावर कैपेसिटी अलग अलग है। अगर मैं लोवेस्ट मॉडल जो मेरा 35X है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें आपको 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत होगी। 25 किलोवाट। यस सर, तीनों मशीनरी मेरी थ्री फेज की है और आपका जो लोड कंजप्शन है अभी लोड का डिफरेंट है तीनों मशीनरी में। 35X मॉडल के अंदर आपको 25 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, 40X मॉडल के अंदर आपको 32 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड आपको जो 40X मॉडल है 45X मॉडल है सर, उसमें आपको 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। 40 किलोवाट, यस सर। सर जैसे अब स्पेस तो आपने बता दिया जी, ठीक है, जैसे जो हमारे जो नॉर्मल हाइट होती है वो 10 से 12 फुट होती है, यस सर, तो उसमें ये मशीनरी काम कर जाएगी? नहीं सर, देखिए बेसिकली बताना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल हाइट वगैरह होती है वो सर एक रेजिडेंशियल पर्पज में यूज की जाती है, ठीक है, और आपको भी पता है फैक्ट्री वगैरह के लिए आपको हाइट ज्यादा चाहिए होती है, तो आपको यहाँ पे जो हाइट रिक्वायरमेंट रहेगी तीनों मॉडल्स के लिए, बेसिकली अगर 20 फीट की आप हाइट रखते हैं 20 फुट की, तो उसमें आपकी तीनों मॉडल्स आपके रन करेंगे, मतलब 20 फुट कम होना चाहिए। यस सर, क्योंकि जो आपका मोनोलेयर प्लांट है जिससे हम रोल का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें बलून के थ्रू रोल प्रोडक्शन होता है, उस मशीनरी की हाइट से 15 से 16 फुट होती है। ओके। उसके बाद हमें एडिशनल स्पेस चाहिए कि इनिशियली कुछ भी हमें देखना, ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी देखना हो कि हमारा प्रोडक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम एडिशनल स्पेस जो है लेकर चलते हैं 3 से 4 फुट का एडिशनल सर, कि आपके लिए अगर 20 फुट की आपने हाइट रखी हुई है तो उसमें आप इजीली उस पर खड़े होकर वर्क कर सकते हैं, आराम से काम हो सकता है। यस सर। सर जैसे आपने ये मशीन इंस्टॉल करवाई, जो ऑपरेटर होता है जी, वो ट्रेंड ऑपरेटर हमें रखने होते हैं या फिर वो नॉर्मल कोई भी बंदा उसे कर सकता है? सर देखिए, बेसिकली अगर मैं अपने सेटअप की बात करूं तो सेटअप मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो इसके साथ मैं सर आपको अपने साथ जो इंस्टॉल फीचर प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें मैं आपको सर ऑपरेटर देता हूं 2 महीने के लिए, जो कि बिल्कुल सर विदाउट एनी चार्जेस, आपके आपसे किसी भी तरह का वो चार्जेस नहीं लेगा सर, आपको ऑपरेटर को केवल खाने पीने के लिए और रहने के लिए उसको अलाउंस देना पड़ेगा सर, वो आपको मैनेज करना होगा। बाकी 2 महीने तक जो हमारा ऑपरेटर आपके पास रहेगा सर, वो आपका प्रोडक्शन भी करेगा और उसके साथ साथ आपको पूरे प्लांट को एक्सेस करना सिखाएगा सर, क्योंकि वो वेल ट्रेन ऑपरेटर है हमारा, जिसको पूरी मशीनरी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको मशीनरी के टेक्निकल पार्ट्स भी आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाएगा भी और आपका प्रोडक्शन भी करेगा सर। ठीक है, तो 2 महीने तक वो पूरी पूरी डिटेल हमें दे देगा। यस उसके बाद सर एक चीज़ और बताइए, जैसे मशीनरी अगर मैं परचेज करना चाहता हूँ जी, मेरे को कितना पैसा चाहिए इस सेटअप को लगाने के लिए? सर देखिए, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 3 मॉडल अवेलेबल हैं इस मशीनरी के लिए, तो जो मेरी मशीनरी की प्राइस स्टार्ट होती है 12.5 लाख से स्टार्ट होती है, और ऐसा भी नहीं है कि प्राइस मार्जिन बहुत है, 12.5 लाख से 14.5 लाख के बीच में आपको ये तीनों मॉडल्स मिल जाएंगे, जिसमें जो मेरा 35X मॉडल है उसकी प्राइस 12,50,000, 40X मॉडल 13,50,000 एंड 45X मॉडल 14,50,000, मतलब एडवांस की 14 लाख। यस सर। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है? यस सर बिल्कुल, अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो और अगर आपके पास फुल सेटअप के लिए आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, तो सर आपके पास ऑप्शन है, आप फुल सेटअप ना लगा के आप इसका हाफ सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें हम आपको 2 मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, एक आपकी सीलिंग कटिंग मशीन होती है, दूसरा मशीन आपकी पंचिंग मशीन होती है सर, आप मार्केट से तैयार रोल परचेस करके आप उसके थ्रू प्रोडक्शन कर सकते हैं। तैयार रोल परचेज करने हैं, बिल्कुल, जो रोल पहले बना रहे थे बिल्कुल वो नहीं बनाना पड़ेगा हमें, तैयार रोल मार्केट से खरीदना, वो तैयार रोल आप अवेलेबल बिल्कुल सर, वो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं सर, और इनिशियली अगर आपके पास मार्केट में और भी सप्लायर हैं तो आप उनसे भी डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं सर। सर जो ये हमारे ये कैरी बैग है जी सर, ये किस किस मटेरियल से बनाए जाते हैं? सर देखिए, बेसिकली मैं बात करूँ अगर कैरी बैग के मटेरियल की, इसमें आपके 2 प्रोडक्ट यूज होते हैं, फर्स्ट आपका कॉर्न स्टार्च जो कि मक्के से तैयार किया जाता है, एंड सेकंड आपका फिलर होता है सर, जो कि एक तरह से कैल्शियम का वर्क करता है, कैल्शियम होता है सर, तो इन दोनों प्रोडक्ट की मिक्सिंग के थ्रू ये प्रोडक्ट तैयार होता है सर। ठीक है, बाकी आपके पास ऑप्शन है सर कि आप कलरिंग के लिए इसमें मास्टर बैच भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में आपको ईजी अवेलेबल हो जाते हैं सर, आपको कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में। और ये मतलब जैसे अगर कोई जानवर वगैरह इन्हें खा लेता है जी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं सर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कॉर्न स्टार्च मींस मक्के के दाने से तैयार होता है, और दूसरा इंग्रेडिएंट मेरा कैल्शियम का होता है सर। ओके। तो अगर जानवर वगैरह भी इसे खाते हैं तो उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा सर। और जैसे नाले, आपने देखा होगा नाले वगैरह में बहुत सारी पन्नियां होती है जो उनकी ब्लॉकेज कर देती है पन्नियां वगैरह, तो उसमें ये ब्लॉकेज करेगा या नहीं करेगा? सर बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ सर, देखिए गवर्नमेंट ने जो प्लास्टिक बैग्स आपके बैन किए हैं, उसका सबसे गवर्नमेंट को सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पहली चीज़ तो वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, और दूसरा चीज़ नालियों में जैसे कि आपने बताया ब्लॉकेज का वर्क करते हैं, और तीसरा जो हार्म होता है जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, अगर जानवर वगैरह खा लेते हैं तो उससे उनको नुकसान होता है। बट जो मेरा ये प्रोडक्ट है सर, जो कि मैं बोलता हूँ इसको बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मशीन सर, तो इस प्रोडक्ट के थ्रू
आप जो है अगर ये प्रोडक्ट आपका नाली वगैरह में या गटर वगैरह में जाता है सर, तो ये ब्लॉकेज का काम नहीं करता सर, क्योंकि गटर वगैरह में जो आपके गैसेस होते हैं उन गैसों से रिएक्शन चैन रिएक्शन करके ये विद इन 72 आवर्स के अंदर फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है सर। सर आपने नाली गटर के अंदर डिसॉल्व होना बताया कि ये 7 डेज में हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर ये वैसे बाहर किसी जो कूड़ादान होता है उसमें होता है या मिट्टी में कहीं पड़ा होता है तो वो कब डिसॉल्व? सर देखिए उसके लिए सर बेसिकली बैग की जो लाइफ होती है मेरी 6 मंथ्स की लाइफ है सर। 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आपका ये जो कैरी बैग है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा सर, और ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा सर। ओके, तो अब जैसे किसी को सेटअप लगाना है पूरा जी, कॉस्टिंग आएगी इसकी? सर देखिए डिपेंड करता है, देखिए सर मैं बता देता हूँ, इसका जो रॉ मटेरियल होता है सर जो कि मैंने आपको बताया, इसमें कॉर्न स्टार्च और फिलर यूज किया जाता है सर जो मार्केट में अवेलेबल होता है। जो कॉर्न स्टार्च है सर ये 200 से 250 रेशियो के अमाउंट केजी के बीच में रहता है सर, जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग इसका रेट अप डाउन होता रहता है। बाकी जो फिलर्स है आपका सर वो 110 रुपीज़ केजी आपका मिलता है सर। और जो दोनों मटेरियल हैं, ये दोनों मटेरियल हम जो प्रोडक्शन के लिए हम गाइड करते हैं, तो बेसिकली आप 50-50 रेशियो में अगर दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं सर, तो उसमें जो आपकी कॉस्टिंग आती है पर केजी सर, इंक्लूडिंग योर लेबर इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट सर, तो उसमें जो आपकी कॉस्टिंग आती है सर 190-200 के बीच में आती है सर। और ये सेल कितने में होता है सर? अगर सेलिंग पॉइंट की बात करूँ, अगर आप डायरेक्ट ओपन मार्केट में इसे सेल करते हैं विदाउट एनी डीलर सर, तो ये आपकी जो इसकी कॉस्टिंग है मार्केट में 290-300 रुपीस केजी सर। ठीक है, ओके। एंड अगर आप इसमें डीलर्स पार्ट रखते हैं सर, कि आप डायरेक्ट मार्केट में ना जाके डीलर्स के थ्रू अगर आप इसे सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो आपको इसमें प्राइस मिलेगा सर 250-260 का रेशियो आपको मिलेगा, मीन्स 50-60 रुपए का मार्जिन आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर डीलर के थ्रू हम बेचते हैं तो 50-60 रुपए का मार्जिन। यस सर। और डायरेक्ट डीलर को बेचते हैं तो 70-80। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पर की इसकी प्रोडक्शन की बात करूँ तो इसकी क्या प्रोडक्शन है मशीन सर? अगर मैं मशीनरी 45X मॉडल की बात करूँ सर, तो मेरे मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सर 55 kg पर आवर प्रोडक्शन आप इसके थ्रू कर सकते हैं सर। 55 पर केजी? यस सर, पर आवर। पर आवर? यस सर। तो मतलब अगर 50 किलो भी मानते हैं और 8 घंटे भी काम करते हैं तो 400 किलो के आसपास होगा। बिल्कुल सर। और आप बता रहे हो कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं तो 500 रुपए किलो का मार्जिन। बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से तो ये 20,000 रुपए पर डे का मार्जिन। बिल्कुल सर। तो 20,000 रुपए पर डे, ये तो दोस्तों बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर 20,000 छोड़ो, आप 10,000 पर डे भी मानते हो तो बहुत, आप महीने के बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो। बस मैं तो यही कहूंगा, मैं आपको अमाउंट आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको यही कहता हूं कि अगर आप इस तरीके का बिजनेस, क्योंकि इसमें आपका पैसा भी लग रहा है देखो। और सर जैसे अगर जिन बंदों के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ट्रेडिंग के साथ किस तरीके से कर सकते? बिल्कुल सर, देखिए अगर मार्केट में कोई हमसे ये रेडी प्रोडक्ट अगर लेना चाह रहा है सर, तो हम रेडी प्रोडक्ट उन्हें होलसेल रेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बाद वो जैसे कि मैंने बताया कि होलसेल प्राइस में आपको 50-60 रुपए का मार्जिन आराम से ट्रेडिंग। बिल्कुल, वो ट्रेडिंग हमसे होलसेल पे लेकर वो आगे ट्रेडिंग ऑनलाइन मार्केट में से सेल कर सकते हैं। माल खरीदना होगा उन्हें सर? देखिए डिपेंड करता है जो ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग पर्पज में कोई पर्सन हमसे जुड़ रहा है तो उसके लिए सर 100 kg एंड अबव आप वो प्रोडक्शन उसको ऑर्डर लेना ही पड़ेगा सर। तो सर जैसे मैं ये देख रहा हूँ आपके टेबल पे ये ग्लास रखे हुए हैं। यस सर। तो ये ग्लास भी इसी मटेरियल? यस सर, एक्चुअली ये मेरा बायो का ही प्रोडक्ट है सर, क्योंकि डिस्पोजेबल आपको पता है गवर्नमेंट प्लास्टिक ऑलरेडी बैन कर चुकी है सर। ठीक है। और आपके मार्केट में जितने भी डिस्पोजेबल आइटम है वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक, थर्मोकोल या पेपर से तैयार होते हैं सर। तो मेरा यही एक प्रोडक्ट है, इसी मशीनरी का एक पार्ट है सर, जिसके थ्रू आप डिस्पोजेबल आइटम का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं सर। ठीक है जी। तो सर इसके लिए हमें कोई अलग मशीन लगानी पड़ेगी या इसी से? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, इसके लिए सर देखिए मैं बता देता हूँ, इस मशीनरी का जो रॉ मटेरियल है सर आपका, उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन आप इसी प्लांट के थ्रू, जो आपका 45X मॉडल है सर, ठीक है, इसका जो रॉ मटेरियल आपका तैयार होता है वो इसी मशीनरी के थ्रू तैयार होता है। बाकी जो इस मशीनरी के लिए जो आपके साइजेस और डिजाइन जो आप आती हैं, उसके लिए आपको एक एडिशनल मशीनरी लेनी होती है सर, जिसमें इसके रॉ मटेरियल आप यूज करके उसके थ्रू किसी भी शेप में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं सर। दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, पर सर एक चीज और बताइए कि जो ये रॉ मटेरियल इसका रेडी होगा वो आपने 3 मॉडल की मशीनें बताई? यस सर। उनमें तीनों में रेडी हो जाएगा? नहीं सर, ओनली 45X मॉडल सर। ओनली जो आप एडवांस? यस, एडवांस मॉडल सर। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं, जो एडवांस मॉडल की आप मशीन लगाओगे कैरी बैग बनाने के लिए, उस मशीन से आप इस तरीके का रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए इसका रॉ मटेरियल आप इस कैरी बैग वाली मशीन से रेडी कर सकते हो। और आपको इस तरीके के गिलास बनाने के लिए, प्लेट बनाने के लिए, उनके लिए आपको दूसरी मशीन लेनी होगी, उसमें आप डाइया चेंज करके ये प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ये है कि आपको सिर्फ ये बनाने वाली मशीन चाहिए, तो आप बाहर से इसका रॉ मटेरियल खरीद के भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
एक छोटे लेवल पे अगर किसी को, बिल्कुल सर। सर इसकी मशीनें कितने रुपए की आती हैं? सर देखिए बेसिकली इसमें मशीनें जो आती हैं, तीन तरह की मशीनें आती हैं, एक आपकी सेमी ऑटोमेटिक होती है, दूसरी ऑटोमेटिक एंड तीसरी मशीन जो आती है फुली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात करूँ तो मैं 3.5 लाख से स्टार्ट होती है सर आपकी, एंड ऑटोमेटिक मशीनरी की बात करूँ तो 5.5 लाख से आपकी ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो जाती है, और फुली ऑटोमेटिक है तो उसका सेटअप और प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है आपकी वो 22 लाख रुपये की। 22 लाख? यस सर। तो अगर किसी को मतलब कम पूंजी से बिजनेस शुरू करना है तो वो मैनुअल जो मैनुअल मशीन या फिर ऑटोमेटिक मशीन दोनों लेके वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो लगभग रॉ मटेरियल भी अगर बाहर से खरीदता है तो 8-10 लाख रुपए में, 8-10 तो ज्यादा बता दिए, मतलब 7-8 लाख रुपए में बिल्कुल शुरू कर। यस सर। दोस्तों आप 7-8 लाख रुपए लगा के अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल अगर बाहर से खरीदते हो। इसी तरीके से कैरी बैग का है, कैरी बैग का भी अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से खरीदते हो तो वो भी आप 7-8 लाख रुपए में उस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। सर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी इसका, रॉ मटेरियल जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? सर देखिए जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन किए हैं तो हमारे बायो के प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तो इसके अभी जो मैन्युफैक्चरर बहुत कम है सर, तो ये लिमिटेड जगहों पे ही आपको इसका मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग। तो आप अवेलेबल करा? यस सर। तो इसके लिए जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं या जो ऑलरेडी प्लांट लगा चुके हैं तो इनके रॉ मटेरियल आपको मैक्सिमम वहीं से ही प्रोवाइड होंगे सर। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको स्क्रीन पे जो ये दिख रहे हैं ये जितने भी प्रोडक्ट है ये यहाँ डिस्प्ले लगाए हुए हैं। अब ये डिस्प्ले लगाए हुए प्रोडक्ट यहाँ रेडी हो जाते हैं, अगर आपको डब्ल्यू शेप में चाहिए हो तो डब्ल्यू शेप में भी रेडी हो जाते हैं, डी शेप में चाहिए तो डी शेप में भी हो जाते हैं, और यू शेप में चाहिए होते यू शेप में भी हो जाते हैं। ये आपको आपकी स्क्रीन पे ये सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। सर अगर किसी को मशीन चाहिए हो और उसके पास पैसा नहीं हो एक साथ लगाने के लिए, अगर उसको ईएमआई में या इंस्टॉलमेंट में जो है उसको चाहिए हो तो वो मिल सकती है? बिल्कुल सर, हम ईएमआई में भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, जो भी ईएमआई इंस्टॉलमेंट फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चीजें हम आपको ऑन टेबल सारी चीजें क्लियर कर देंगे, आप उसे करवा दो। बिल्कुल सर, हम ईएमआई में भी अवेलेबल आपको करवा देंगे मशीन। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है या नहीं है आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, आप ईएमआई में करवा के लोन वगैरह लेके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ये अभी बहुत ट्रेंड में है बिजनेस, अगर आप इसको अभी शुरू करते हो तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। आपको पूरी डिटेल स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन पे आप कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सर एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। सर जो हमारा ऑफिस है नोएडा सेक्टर 10 C377 सेकेंड फ्लोर नोएडा सेक्टर 10, और पिन कोड है आपका 201301। अगर किसी को बाय मेट्रो आना हो तो नियर बाय मेट्रो? सर नियरेस्ट जो अगर आप बाय मेट्रो विजिट करते हैं सर नोएडा के लिए तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन, आप मेट्रो से एग्जिट होने के बाद ई रिक्शा के थ्रू आप डायरेक्टली नोएडा सेक्टर 10 आ सकते हैं सर। ठीक है सर। दोस्तों आप नोएडा सेक्टर 10 आके कॉल करके यहाँ की लोकेशन मंगवा सकते हो, आप घर बैठे भी लोकेशन मंगवा सकते हो, आप कॉल करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया।